सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और गाइस यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के लिए कलर ओएस आईओएस थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसी थीम्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज को मिस ना कर पाए। तो फटाफट से वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो है मैं वीडियो को जो वो जो थीम्स को मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी थीम्स है वो गाइज अप्लाई हो रही है, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखो यहाँ पे हमारी जो थीम्स है वो अप्लाई होकर आप सभी के सामने आ चुकी है। तो देखने में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छे लुक आपके फ़ोन को देगा। बहुत सारे यूजर्स की जो कॉमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि भाई जो मतलब कि मिनी आइकन्स के साथ लेगा, वो आईओएस के जो आइकन्स हैं वो मिनी टाइप के लेगा। तो यहाँ पर आपको मिनी आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे आईओएस के, जो कि बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं गाइस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सा जो लुक है आपके फ़ोन को यहाँ पे मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा सा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वक्त की, तो यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी वक्त देखने को नहीं मिलता है किसी भी आइकन्स में आप देख सकते हो। साथ ही आपको इस बैटरी, इसकी जो बैटरी है उसकी साइड देख सकते हो। यहाँ पे जो बैटरी आपको ब्लू टाइप देखने को मिलेगी, जैसे कि म्यूजिक बजट और क्लॉक वगैरह कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो है कंट्रोल पैनल आपको कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा देखने में लगता है। साथ ही नोटिफिकेशन पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। साथ ही सेटिंग्स बैकग्राउंड की अगर बात करें तो सेटिंग्स बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और अगर बात करें इसके हम मतलब कि इसके जो डायलर की, तो डायलर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा चेंजेस और डिफरेंट डायलर है। काफ़ी अच्छे लुक आपके फ़ोन के यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मैन हाईलाइट की, जो कि है इसकी लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन को हम फ़ोन को करते हैं लॉक, और लॉक को करने फ़ोन को लॉक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने आ जाएगा। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ से आप जो यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ बैटरी को मेंशन करेगा, यहाँ पे म्यूजिक को जो कि वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ सेटिंग्स, यहाँ पे इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप जो यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। और साथ ही यहाँ पे जो किसी भी ब्राउजर को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे एल्बम, कैलकुलेटर, मैसेज और कॉन्टैक्ट वगैरह, म्यूजिक को भी यहाँ से आप जो कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मुझे लगे और बहुत ही बेहतरीन से स्टाइल से, तो कुछ इस तरीके की थीम्स आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इस थीम्स को आप लोग कैसे यूज़ करोगे। तो उसके लिए गाइज आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से थीम्स को डाउनलोड करके थीम्स को अप्लाई कर लेना है। और गाइज थीम्स को आपको अप्लाई करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे देख के आप थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।